हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स का आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। जो हमने पहला सेक्शन लिया है डिस्कशन के लिए वो है पॉलिटी, जिसमें जून से जनवरी तक के करंट अफेयर्स हम आपके साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पर हम लोग यूपीएससी और काफ़ी सारे स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं और हम लोग फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं। अगर इस रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इन दो नंबर्स पे आप हमें कॉल करें, हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे। अब चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक हमारा सिक्किम के अराउंड चल रही कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर है। सिक्किम में क्या हुआ, चुनाव आयोग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री जो कि हैं प्रेम सिंह तमांग, उनको कुछ समय पहले अयोग्य घोषित कर दिया था। यानी कि वो सिक्किम में चल रहे कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते थे। जो उनकी अवधि रखी गई थी वो थी 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष तक कोई भी इलेक्शन वो कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। पर फिलहाल में देखा गया है चुनाव आयोग ने अपना फैसला बदला है और इस अवधि को कम करके 13 महीने कर दिया है। तो ये जो पूरी न्यूज़ है ये इसी वाले इशू के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। इसको समझने के लिए हमको एक बार बैकग्राउंड देखने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, जो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, उनको 1996-97 के आसपास एक करप्शन केस में दोषी पाया गया था और 2016 में उनको कन्विक्ट किया गया था, जिसके तहत उनको जेल में जाना पड़ा और 2018 के आसपास उनको जेल से छोड़ा गया था। अब इसी सब को देखते हुए हम लोग आरपीए 1951 की कुछ धाराओं को यहाँ से जोड़ते हैं। भाई, आरपीए यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसके तहत ये बात कही जाती है अगर किसी भी व्यक्ति को किसी सीरियस ऑफेंस के लिए जेल में भेजा गया हो तो अपने रिलीज के बाद से, यानी जब भी वो जेल से छूट के आएगा उसके बाद से 6 वर्ष तक वो किसी भी चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। तो उसी सब के आधार पे चुनाव आयोग ने प्रेम सिंह तमांग को भी अयोग्य घोषित किया था और 2018 के बाद से 6 वर्ष तक, यानी 2024 तक वो स्टेट में किसी भी इलेक्शंस में खड़े नहीं हो सकते थे। और अगर हम लोग स्पेसिफिक बात करें तो आरपीए का सेक्शन जो 8 है वो इलेक्शन कमीशन को ये पावर प्रदान करता है, जिसके तहत वो किसी भी कैंडिडेट को अयोग्य घोषित कर देता है अगर वो जेल टर्म सर्व करके आया हो। फिर वो जब भी जेल से निकलेगा तो उसके 6 वर्ष तक कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएगा। इसी के तहत सिक्किम के मुख्यमंत्री भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते थे। तो वही बात ठीक है। अब अगर हम आते हैं मई 2019 के आसपास, तो सिक्किम के विधानसभा के इलेक्शन हुए। इलेक्शन में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा बीजेपी के साथ मिलके मेजॉरिटी पार्टी की तरह इमर्ज हुई। तो जो मेजॉरिटी पार्टी की तरह इमर्ज हुई तो उसने अपने लीडर की तरह चुना फिर से प्रेम सिंह तमांग को। तो यानी लीडर की तरह चुना गया तो ये वापस मुख्यमंत्री के पद पे इलेक्ट हो गए। हालांकि इन्होंने 2019 में इलेक्शन नहीं लड़े, हालांकि इनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन के चार्जेस थे, हालांकि 6 वर्ष तक ये कहीं भी इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन फिर भी जब उनकी पार्टी जीत गई तो उन्होंने लीडर के तौर पे उन्हीं को चुन लिया और अल्टीमेटली वापस से सीएम के तौर पे इलेक्ट होके सिक्किम में आ गए प्रेम सिंह तमांग। तो अगर हम बात करें, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय जो कि 2001 वर्ष में दिया गया था, जब जयललिता की एलिजिबिलिटी को चेक किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि क्या वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के पद के लिए योग्य हैं अगर उनको करप्शन के ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई किया गया हो। तो उस समय भी हुआ यही था, जयललिता पे करप्शन चार्जेस लगे थे, जिसके तहत जब वो मुख्यमंत्री के पद पे इलेक्ट होके आई तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक निर्णय दिया। निर्णय के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग अयोग्य घोषित हो गए हों, जो लोग इलेक्ट होने के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं, वो लोग मुख्यमंत्री का पद ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में ये सबसे नई घटना है जहां पे सुप्रीम कोर्ट के इस वाली गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया और सिक्किम के मुख्यमंत्री को इलेक्ट करते वक्त इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया और प्रेम सिंह तमांग जो कि डिस्क्वालिफाइड थे उन्हीं को वापस मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया गया। अब बात तो ये हो गई, अब हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री के पास यानी प्रेम सिंह तमांग के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, अगर यहाँ पे सिक्किम में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती यानी कि विधान परिषद होती तो इनके पास ऑप्शन था कि ये नॉमिनेट भी किए जा सकते थे 6 महीने के अंदर अंदर, लेकिन क्योंकि सिक्किम में कोई विधान परिषद नहीं है, वहाँ पे सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा है, तो इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर इनको विधानसभा में किसी भी सीट पर इलेक्ट होना पड़ेगा।
अब यहीं पे सारा मुद्दा फंस जाता है कि भाई अब वो सीएम नॉमिनेट हो गए, सीएम घोषित कर दिया गया उन्हें, और उनको अब अपनी कुर्सी बरकरार रखने के लिए, अपना पद बरकरार रखने के लिए विधानसभा में 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर के तौर पे भी अपनी योग्यता साबित करनी होगी। लेकिन होगी कैसे? वो इलेक्शन के थ्रू। पर बात तो ये हो गई कि वो इलेक्ट हो ही नहीं सकते क्योंकि उनके ऊपर अयोग्यता का चार्ज लगा हुआ है और 6 साल तक वो किसी भी इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो सकते। तो यानी 2024 तक तो वो किसी भी चीज़ के लिए इलेक्ट हो ही नहीं सकते। तो ये 6 महीने वाला टर्म कैसे पूरा होगा? तो यहाँ पे अब आती है भूमिका चुनाव आयोग की। इलेक्शन कमीशन ने अपनी सेक्शन 11 के तहत, यानी जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 11 है, या फिर जनप्रतिनिधि कानून का जो कि जो धारा 11 है उसके तहत अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया है। उसमें यह दिया गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो किसी की अयोग्यता की अवधि को कम भी कर सकती है, और चाहे तो किसी की पूरी अयोग्यता की अवधि घटा सकती है, ख़त्म कर सकती है। हालांकि यहाँ पे यह भी लिखा गया है कि उसके लिए उचित रीजंस होने चाहिए। तो इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग ने क्या किया, उन्होंने जो 6 वर्ष की अवधि थी उसको घटाकर कर दिया सिर्फ 1 साल और 1 महीने की, यानी टोटल अगर मैं बात करूं तो 13 महीने की अवधि उन्होंने कर दी। इससे होगा क्या? इससे ये उनकी अयोग्यता की अवधि ख़त्म हो जाएगी इन 6 महीने के भीतर भीतर ही, जिसके तहत वो चुनाव लड़ पाएंगे। चुनाव लड़ के अगर वो इलेक्ट हो गए तो वो अपना सीएम का पद कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना उनको सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जो इलेक्शन कमीशन ने उनकी अवधि कम करके 13 महीने की कर दी है, उसके तहत इलेक्शन कमीशन ने कुछ यहाँ पे रीजंस दिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने रीज़न दिया है कि भाई जो डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड होता है वो एक जैसा नहीं हो सकता मैक्सिमम क्राइम के लिए और मिनिमम क्राइम के लिए। यानी अगर आरपीए में या फिर जनप्रतिनिधि कानून में ये लिखा है कि 6 साल की अवधि रहेगी अयोग्यता की, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका पनिशमेंट जो है वो हल्का है, कंपैरेटिवली कम है, तो आपकी अवधि भी कम होनी चाहिए, और अगर आपका बहुत भयंकर प्रचंड लेवल का पनिशमेंट है तो फिर आपकी ये अवधि अलग होनी चाहिए, यानी पूरी 6 साल होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सिक्किम के जो सीएम हैं उनका पनिशमेंट जो है उसका लेवल कम था, इसी वजह से हमने उसकी अवधि घटा दी। और दूसरी बात उनके द्वारा कही गई है कि भाई जिस धारा के तहत प्रेम सिंह तमांग को कन्विक्ट किया गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के, वो धारा 2018 के संशोधन से पहले ही हटा दी गई है। तो अगर वो धारा ही हटा दी गई तो इतना लंबा टर्म उनको क्यों अयोग्य घोषित किया जाए? तो इसके तहत इनकी अयोग्यता की अवधि को कम कर दिया गया है, 13 महीने कर दिया गया है, जो आरपीए के हिसाब से पूरी 6 साल होनी चाहिए थी। और ये किसके तहत किया गया है? अपनी सेक्शन 11 या फिर धारा 11 में दी गई पावर से चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। हालांकि जो इसके विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से इलेक्शन कमीशन सबकी अवधि कम करने लगा तो जो हमारा बेसिक पर्पज़ है इस पूरी सज़ा के पीछे वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन है वो फिर यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, और इन सब चीज़ों से भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। तो हाल ही में जो डिसीजन है इलेक्शन कमीशन का, इसको चैलेंज किया गया है दिल्ली के हाई कोर्ट में, और उसमें जो याचिका जिसने दायर की है वो व्यक्ति ये कहते हैं कि भाई जो सेक्शन 11 है, जो 11वीं धारा है, उसको हम लोगों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर असंवैधानिक घोषित करना चाहिए। अब हम चलते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018 पे, जो संशोधन किया गया, या फिर भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018 पे। इसके तहत कुछ अमेंडमेंट किए गए, जैसे कि अगर आप घूसखोरी में इन्वॉल्व हैं तो उसको एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया। अगर ऐसा पाया गया कि कोई व्यक्ति ब्राइब ले रहा है या रिश्वत ले रहा है तो उसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ पनिशमेंट दिया जाएगा। उसके अलावा कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने से पहले प्रायर अप्रूवल सरकार का या फिर किसी भी अथॉरिटी का मैंडेटरी है, यानी इम्पॉर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कई सारी डेफिनेशंस को यहाँ पे मॉडिफाई किया गया, कई सारी पेनल्टीज़ को रीडिफाइन किया गया, जिसके तहत कोशिश की गई है कि ये जो कानून है इसको और ज़्यादा सख्त बनाया जा सके, और जो ऑनेस्ट ऑफिसर हैं यानी जो ईमानदार अफसर हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये इसमें मेन एम रहे हैं। बेसिकली ये जो कानून था ये 1988 का कानून था जिसके ऊपर संशोधन किया गया था, तो ऑलरेडी ये करीब 3 दशक पुराना था। तो आप ये देखिए, अगर कोई 3 दशक पुराना कानून चल रहा है तो ये बात 100% सही है कि आज के समय के हिसाब से वो कानून के बहुत सारे प्रावधान ऐसे होंगे जो आज के समय में मैच नहीं करते। तो ज़रूरी है उस कानून को संशोधित करना, उसको मॉडिफाई करना, अमेंड करना। इसी सब को ध्यान में रखते हुए 2013 में
संशोधन की कवायद शुरू हुई थी। पहले इसकी जो अमेंडमेंट की प्रक्रिया है उसको एनालाइज करने के लिए इसको एक समिति के पास भेजा गया, जहां पे कुछ विशेषज्ञों ने इसकी पूरी जांच की, उस पर डिस्कशन किया और वर्ष 2016 में अपनी रिपोर्ट उन्होंने सौंपी थी। 2017 वर्ष में इस पर्टिकुलर बिल को संसद में लाया गया था, लेकिन उस समय इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। अब यहाँ पे जब ये फाइनली संशोधन हमारे सामने है तो रिश्वत लेने को यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। जो भी ईमानदार अफसर हैं उनको सुरक्षा प्रदान करी जाएगी इस अधिनियम के तहत, और जो भी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले हैं कोशिश की जाएगी कि उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। अब अगर हम लोग बात करें तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ में आपको कुछ एक सेक्शन ज़रूर याद रखने हैं, जो कि RPA 1951 के, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सेक्शन 11। सेक्शन जो 11 है या फिर जो धारा 11 है उसके तहत चुनाव आयोग को ये पावर दी गई है कि वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करके किसी के भी डिस्क्वालिफिकेशन की या अयोग्यता की जो अवधि है या तो उसको कम करे या फिर ख़त्म कर दे। उसके अलावा इसी RPA का एक सेक्शन 8 है, यानी धारा नंबर 8 है। उस 8वीं धारा के तहत अगर किसी भी व्यक्ति को जेल का पनिशमेंट मिला हो तब जब भी वो रिलीज होगा उस पनिशमेंट के बाद से टोटल 6 साल तक वो अयोग्य घोषित रहेगा, यानी कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बेसिकली इसमें फोकस किया गया है अगर आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दोषी पाए जाते हैं तो आपको जेल में भेजा जाएगा और आप पे ये 6 साल की अयोग्यता की अवधि लगाई जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे एक सेक्शन 8 का ही क्लॉज नंबर 2 है, वो कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को जेल की सज़ा होती है 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए तो उसको 6 साल का अयोग्यता का सफ़र तय करना ही पड़ेगा जब भी वो जेल से छूट के आता है उसके बाद से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये आपके प्री में और मेंस में दोनों में काम आने वाली चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, ये है परिचय। परिचय बेसिकली क्या है, ये कानूनी सहायता से संबंधित है, ये एक संगठन है, यानी यहाँ पे अलग अलग NLU जो कि है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पूरे देश से वो एक साथ एकजुट हुए हैं, एक साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है और NRC जो प्रक्रिया चल रही थी आसाम में उसमें जो भी लोग बाहर हो गए थे, जो लोग उसमें छूट गए थे, जो आंकड़ा करीब 40 लाख के आसपास था, उन लोगों की मदद करने के लिए ये एक परिचय नाम का संगठन बनाया गया है 5 राष्ट्रीय कानूनी विश्वविद्यालयों द्वारा। इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया है गुवाहाटी में, और बेसिकली है क्यों, जो भी लोग NRC की एक्सरसाइज से बाहर हो गए हैं उनकी किस तरीके से मदद की जा सके। तो अगर मैं बात करूँ तो एक लीगल एड का क्लिनिक है ये, यानी एक ऐसा क्लिनिक है ये जहाँ पे कानूनी सहायता प्रोवाइड की जाएगी ऐसे लोगों को। जो लोग बेसिकली NRC की एक्सरसाइज से बाहर रह गए थे उनके पास 120 दिन का समय था जिसके तहत वो एक अपील फाइल कर सकते थे जिस पे फिर विचार किया जाएगा और उनकी भारत की नागरिकता या फिर इलीगल माइग्रेंट होने पे विचार विमर्श होंगे। तो यानी उनके पास 120 दिन का समय था, उस 120 दिन के अंदर अंदर ही उनको अपील फाइल करनी थी अगर वो इस NRC की एक्सरसाइज से बाहर हो गए हैं तो। शुरुआत में ये नंबर करीब 40 लाख के आसपास था, लेकिन बाद में जब फाइनल लिस्ट प्रिपेयर हुई 31 अगस्त को जब पब्लिश की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड NRC की लिस्ट, तो उसमें 19 लाख के आसपास लोग थे जो कि एक्सक्लूडेड रह गए थे, यानी 19 लाख अभी भी ऐसे थे जो कि NRC के रजिस्टर में नहीं लिखा गया उनका नाम। तो उन लोगों की सहायता के लिए ये हमने एक क्लिनिक के तौर पर स्थापित किया है जहाँ पर देश के अलग अलग कानून से संबंधित विश्वविद्यालय एक साथ आए हैं और इन लोगों की सहायता करेंगे। अब बेसिकली ऐसा बनाया क्यों है, देखिए जिन लोगों को भी सूची से बाहर कर दिया है वो कैसे लोग हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे या फिर जिनमें जागरूकता नहीं हो पाएगी, या फिर तीसरे होंगे जो एक्चुअली इलीगल माइग्रेंट्स हैं, पर ये जो है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं या फिर जो अवेयर नहीं है वो ज़्यादातर अगर आप देखें तो गरीब तबके से आते हैं और उनको जागरूकता नहीं है कानून की, लॉ की, किस तरीके से अपील फाइल करें इस बारे में भी उनको कुछ नहीं मालूम, तो वो ट्रिब्यूनल में अपील अपने बलबूते पे फाइल करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए परिचय नामक ये जो हमने क्लिनिक स्थापित किए हैं ये उनकी बड़ी सहायता करेंगे और उनको अपील फाइल करने में मदद करेंगे। तो इसमें जो भी लोग शामिल हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स भी वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने आगे बढ़ के अपने नाम दिए हैं जिसके तहत वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें NRC में शामिल होने में। अगर आप बात करें कौन कौन से संस्थानों ने इसमें हाथ मिलाया है, तो
तो सबसे पहले तो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल अकेडमी आसाम की, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में जो यूनिवर्सिटी है नेशनल लेवल की लॉ के ऊपर और जुडिशियल साइंस के ऊपर, वो कोलकाता में है। उसके अलावा दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है लॉ की, उसने भी यहाँ पे हाथ मिलाया है, उड़ीसा की यूनिवर्सिटी ने भी हाथ मिलाया है, और साथ ही बहुत सारे अन्य कानून के संबंधित जो विश्वविद्यालय हैं वो भी इस समय इस प्रयास में हैं कि वो परिचय नामक क्लिनिक से इस प्रोसेस से जुड़ पाएँ और लोगों की मदद कर पाएँ। तो आपके अगर प्री में क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि परिचय जो है वो कहाँ की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले तो आसाम की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया गया है, एनआरसी की एक्सरसाइज से जो लोग बाहर रह गए थे उनको ये मदद करेगा। फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है एनआरसी की जो एक्सरसाइज से बाहर रह गए उन लोगों को कितने दिन का समय मिलता है अपील फाइल करने के लिए, तो आपको याद रखना है 120 दिन का समय मिलता है। उसके अलावा ये जो क्लिनिक आपने बनाए हैं ये क्या करेगा, ये लोगों को लीगल एड प्रोवाइड करेगा यानी कानूनी सहायता प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि किन किन संगठनों ने यहाँ पे हाथ मिलाया है, कोलैबोरेट किया है जिसके तहत ये परिचय नामक पोर्टल एस्टैब्लिश किया जा सके। तो ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, टोटल 5 हैं जिन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया है, और अभी भी लगातार कई सारी यूनिवर्सिटी इसमें देख रही हैं कि वो शामिल हो सकें। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप इसके बारे में याद रखें। अब हम चलते हैं एससी एसटी एक्ट की तरफ। हुआ ऐसा था कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ प्रोविजंस या फिर कुछ प्रावधान को डाइल्यूट कर दिया या कमज़ोर कर दिया था। उसके तहत बहुत ज़्यादा देश में प्रोटेस्ट होने लगे, एजिटेशंस होने लगे, जिसने सेंटर को यानी केंद्र को मजबूर कर दिया कि वो वापस सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल करे। तो वो जो रिव्यू पिटीशन था उसके तहत अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। उस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हमने जो पहले इसके 3 प्रोविजंस को डाइल्यूट किया था यानी कमज़ोर किया था वो हम वापस लेते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, और जो पहले प्रावधान दिए गए थे वही कंटिन्यू रहेंगे एससी और एसटीज को। तो अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, आपका एक बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करूं, तो वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसके तहत कुछ प्रोविजंस या फिर कुछ प्रावधान जो थे वो डाइल्यूट कर दिए गए थे यानी कमज़ोर कर दिए गए थे। और अगर बात करूं कितने थे वो, तो टोटल 3 ऐसे कानून थे, 3 प्रावधान थे जिनको कमज़ोर कर दिया गया था। सबसे पहले था एंटीसिपेटरी बेल का। अब भाई बात आती है एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है। एंटीसिपेटरी बेल मतलब ये है, मान लेते हैं कि मुझे आज मालूम है कि मैंने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से कल मेरे को जेल में जाना पड़ सकता है, तो पहले ही मैं जाके कोर्ट में अपनी बेल की सिफारिश लगा दूंगा, जिससे कि अगर मुझे बेल मिल जाए तो ये जेल जाने का जो आने वाले समय में मेरे ऊपर डिसीजन आएगा मैं उसको अवॉइड कर पाऊंगा। तो ये एंटीसिपेटरी बेल यानी आपने पहले ही सोचा, आपने अनुमान लगाया कि आने वाले समय में मेरे को किसी अपने क्राइम की वजह से या किसी कंप्लेन की वजह से, हो सकता है मैंने क्राइम ना किया हो लेकिन कोई व्यक्ति मेरे से रुष्ट होके मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दे तो उसके तहत मुझे जेल में जाना पड़े, तो मैं ये सब देखते हुए पहले ही अपनी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दूंगा, अगर वो कोर्ट ने मुझे ग्रांट कर दी तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो हुआ ये था 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस एक्ट के तहत जो भी लोग अक्यूज्ड हैं, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, उनको एक एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान मिलना चाहिए, जो कि ओरिजिनली इस अधिनियम में नहीं था। यानी ओरिजिनली जो अधिनियम था वो काफ़ी सख्त था, काफ़ी स्ट्रांग था। अगर किसी ने भी एससी और एसटीज के खिलाफ कुछ भी गलत तरीके से व्यवहार करने की कोशिश किया तो उनको यहाँ पे बेल का प्रावधान नहीं था, मतलब कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती। तो पहले जो नियम थे, कानून थे, वो सख्त थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से उन कानून, उन नियमों को थोड़ा हल्का कर दिया था। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को बोला कि अगर तुम्हें कोई भी इंक्वायरी करनी है तो किसी भी इंक्वायरी से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को मन में लेके चलें कि हो सकता है जो कंप्लेन है वो फॉल्स हो या फिर फ्रिवलेस हो। यानी कि उन्होंने कहा कि हर एक केस में अभी इंक्वायरी होगी, पहले ऐसा नहीं था। पहले के कानून के हिसाब से अगर किसी ने आपके ऊपर केस रजिस्टर किया तो डायरेक्टली उसको पुलिस पकड़ के ले जा सकती है, लेकिन फिर यहाँ पे बोला गया ऐसा नहीं है, पहले आपको इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ेगी, और अगर आपको किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो आपके पास यहाँ पे परमिशन होनी चाहिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी की। तो बेसिकली ये जो कुछ प्रावधान थे इनकी वजह से बहुत भयंकर तरीके से बहुत भीषण प्रोटेस्ट हुए, एजिटेशंस हुए, जिसके तहत केंद्र को पुश किया गया कि वो एक रिव्यू पिटीशन फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में, और उसी रिव्यू पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट लगातार ये केस पे बात कर रहा था। और अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, और जो अपना पुराना वर्डिक्ट था जिसके तहत यहाँ पे कुछ प्रावधानों को हल्का किया गया था उसको हटा दिया, उसको
नकार दिया और बोला वो गलत था, अब हम जिस फॉर्म में एक्चुअली ये अधिनियम था उसी फॉर्म में इसको रखना चाहेंगे। हमारे द्वारा जो किए गए बदलाव हैं 2018 जजमेंट में, उन सबको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जो रिव्यू है वो रिव्यू वही सेम सुप्रीम कोर्ट की जज करती है, वो सेम बेंच करती है, माफ़ कीजिएगा, जिसने पहले फैसला सुनाया हो। तो यहाँ पे अगर 2018 में किसी बेंच ने फैसला सुनाया और एक रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ है तो वही 2018 की बेंच ही यहाँ पे बैठेगी और फैसला सुनाएगी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ना तो आप तुरंत तौर पर एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं और ना ही आप तुरंत तौर पर अरेस्ट कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको एक इंक्वायरी करनी होगी, और इंक्वायरी कौन करेगा, एक ऐसा ऑफिसर जो एसएसपी की रैंक के आसपास हो। अगर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है कि सही बात है, इस तरीके के जो आरोप लगे हैं वो एक्चुअली में सही हैं, तभी पुलिस आगे अरेस्ट कर सकती है और अपनी कार्रवाई को बढ़ा सकती है। अब जब रिव्यू की बात करें तो रिव्यू जो है वो जनरली आमतौर पे जज के चेंबर में ही पूरी कार्रवाई करवाने के लिए बाउंड होता है, ऑथराइज्ड होता है। यानी यहाँ पे कोई ओपन कोर्ट्स में कार्रवाई नहीं होती, जज के चेंबर में ही पूरी कार्रवाई होती है अगर हम बात करते हैं रिव्यू पिटीशन की। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस लिया है, उसके तहत एक नई डिबेट यहाँ पे शुरू हो गई है। डिबेट में सब लोग जुडिशियल ओवररीच की बात कर रहे हैं। जुडिशियल ओवररीच से ये तात्पर्य है कि जुडिशरी जब अपने खुद के डोमेन से, अपने खुद के क्षेत्र से बाहर निकल के लॉ बनाने वाले क्षेत्र में एंटर कर जाता है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। यानी उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, अपना क्षेत्र पार कर दिया और वो दूसरे क्षेत्र में चले गए। जनरली लॉ या फिर कानून बनाने की पावर किसके पास है, लेजिस्लेचर के पास है। उसके अलावा कानून में क्या सही है क्या गलत है, अगर कुछ चीज़ चैलेंज हो तो उस पर निर्णय देने का जो पूरा अधिकार है वो जुडिशरी के पास है। लेकिन अगर जुडिशरी इसके एरिया में घुस के कानून के साथ ही बदलाव करने लगती है तो उसको हम कहते हैं कि जुडिशियल ओवररीच हो रहा है। और अगर इस तरीके की चीज़ें होती रहे तो ये डेमोक्रेसी जो है हमारी उसको वीकन करने का काम करता है, यानी उसको कमज़ोर बनाता है। और जो एक डेलिकेट बैलेंस है हमारे देश में लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, ये उसको भी हैम्पर करता है। तो यानी लगातार ये डिबेट हो रही है कि जुडिशियल ओवररीच जो है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हर एक जो अंग है भारत का उसको अपने ही स्फेयर में, अपने ही क्षेत्र में रह के काम करना चाहिए, तभी वो ज़्यादा एफिशिएंटली अपना काम कर पाएगा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि भाई सेंटर के ऊपर जब प्रेशर पड़ा, जब केंद्र के ऊपर प्रेशर पड़ा, तो केंद्र ने एक तरफ तो रिव्यू पिटीशन लगा दिया और दूसरी तरफ वहीं पे अमेंडमेंट प्रपोज कर दिए, यानी संशोधन प्रपोज कर दिए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया 2018 का फैसला न्यूट्रलाइज किया जा सके। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी प्रावधान बताए हैं उन सबको रद्द किया जा सके, जिसके तहत जो देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनको भी शांत कराया जा सके। तो उसके अलावा अगर आप बात करें तो क्या संशोधन थे, सबसे पहले तो जो एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था होना चाहिए उसको यहाँ पे खारिज कर दिया गया। नए संशोधन में ये बोला गया कि अगर किसी आदमी पे आरोप लगे हैं तो उसको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, उसको एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती, और अगर वो रेगुलर बेल की बात करे तो भी वो सिर्फ हाई कोर्ट से ही इशू हो सकती है। अब बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात कही थी कि अगर कहीं से कंप्लेन आए, अगर कोई भी व्यक्ति जो कि एससी या एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करता है वो कंप्लेन करे किसी और व्यक्ति के खिलाफ, तो तुरंत प्रभाव पे आप कंप्लेन रजिस्टर नहीं कर सकते, पहले आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के ऑर्डर में, लेकिन यहीं पे केंद्र ने उस चीज़ को संशोधित करके उसको चेंज कर दिया और कहा कि भाई जैसे ही कंप्लेन किसी ने की तुरंत आपको उस कंप्लेन को रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद आप हर इंक्वायरी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कंप्लेन तो रजिस्टर तुरंत होगी। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा कि एससी एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाला व्यक्ति है वो, और उसने इस तरीके का आरोप लगाया है कि उसको जाति सूचक शब्द कहे गए हैं एक दूसरी कम्युनिटी के व्यक्ति द्वारा, तो इस बात पे तुरंत प्रभाव से कंप्लेन रजिस्टर होगी, फिर उसके बाद इंक्वायरी कंडक्ट होगी। और एससी एसटी से संबंधित जो भी मामले हैं उसके लिए स्पेशल कोर्ट तैयार किए जाएंगे और उन्हीं स्पेशल कोर्ट्स में इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, उसी स्पेशल कोर्ट में सभी चीज़ों की सुनवाई होगी। और अगर ये कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद जो इंक्वायरी है वो कौन करेगा, तो वो इंस्पेक्टर रैंक का कोई पुलिसकर्मी यहाँ पे इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। स्पेशल कोर्ट्स की बात कही गई, ये आपको ध्यान रखना है। और अग्रिम जमानत या फिर एंटिसिपेटरी बेल यहाँ पे नहीं दी जाएगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के
फैसले में कहा था दी जानी चाहिए, यहाँ पे संशोधन के तहत उस चीज़ को रद्द कर दिया गया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में, यानी जो भारत में अलग अलग सूचना आयोग हैं उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, इस चीज़ पे एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है 2018-19 वर्ष के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। बेसिकली जो ये अधिनियम है सूचना का अधिकार के जिसमें बात की जाती है वो 2005 वर्ष में भारत में लागू किया गया था। हालांकि उसके बाद से लगातार ये जो कानून है कई सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। और अब जो ये सूचना आयोग की हम बात कर रहे हैं ये क्या है, बेसिकली ये अपील करने वाली संस्था है, यानी अगर मैंने मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी तो उसमें PIOs होते हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स, जो मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर मुझे लगता है ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये गलत है, मिसलीडिंग है, या फिर इन्होंने समय रहते मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी या फिर इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया, तो मैं अपील करते हुए जा सकता हूँ ऊपर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में, यानी राज्यों में जो सूचना आयोग होते हैं वहाँ पे। अगर वहाँ से भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली तो इसके ऊपर मैं अपील कर सकता हूँ केंद्र लेवल पे जो सूचना आयोग है यानी कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन से। तो बेसिकली ये सारी अपीलेट अथॉरिटी हैं, इनमें आप अपील के थ्रू जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट कार्ड पे, ये किसने तैयार किया है। तो यहाँ पे दो लोगों ने मिलकर इस पूरी चीज़ को तैयार किया है, एक तो संगठन है जिसका नाम है सतर्क नागरिक संगठन और दूसरा है सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़। तो इन दो संस्थाओं ने मिलकर इस पर्टिकुलर चीज़ को तैयार किया है। इसमें ये देखा गया है क्या एक्चुअली पब्लिक इन्फॉर्मेशन का जो ऑफिसर है उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग होती है, क्या उसके खिलाफ केस रजिस्टर होते हैं अगर वो इन्फॉर्मेशन देने से मना करे या फिर इस अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करे। तो रिपोर्ट कार्ड में ऐसा पाया गया है अगर कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इन्फॉर्मेशन देने से मना करता है या किसी भी तरीके से इस अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करता है तो 97% ऐसा होता है कि उनके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाती, जो कि एक बड़ा ही शॉकिंग फैक्ट है। जहां पे RTI या फिर सूचना का अधिकार का अधिनियम जो है वो ये कहता है कि आपको पेनल्टी इम्पोज करनी पड़ेगी अगर कोई भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर 2H सेक्शन के तहत डिक्लेयर्ड पब्लिक अथॉरिटी की इन्फॉर्मेशन देने से मना करता है या समय पे इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो उसके खिलाफ एक्शंस होंगे और उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड आया है इसके तहत 97% केस में पेनल्टी नहीं लगाई गई, नहीं लगाई गई थी। और अगर हम देखें तो सबसे पीछे कौन है, तो कुछ ऐसे स्टेट कमीशन जैसे कि तमिलनाडु, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा, इन लोगों ने तो आज तक कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई है। बेसिकली इस रिपोर्ट कार्ड के तहत देश भर में 29 सूचना आयोगों को एनालाइज किया गया, उनकी परफॉर्मेंस देखी गई और ये बात देखी गई क्या वो अपडेट कर रहे हैं या फिर क्या वो अपडेटेड जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक को या फिर नहीं कर रहे हैं। तो उसमें जब हमने रिपोर्ट कार्ड देखा तो जो परिस्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। 97% पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स पे किसी भी तरीके की पेनल्टी नहीं लगाई गई। अगर स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे आज तक कोई भी पेनल्टी इम्पोज नहीं की गई है। मार्च 2019 में अगर डेटा देखें हम लोग तो हम पाएंगे कि करीब 2.25 लाख के आसपास केसेस पेंडिंग है अब भी कमीशन के पास। और अगर इसी चीज़ को कंपेयर करेंगे आप पुराने वर्षों के साथ तो पिछले वर्ष करीब 2.25 लाख केसेस पेंडिंग थे, यानी कि कुछ ही महीनों के अंदर जो पेंडिंग केसेस है उनकी मात्रा एकदम से बढ़ती जा रही है। और एक जनरल ट्रेंड ये देखा गया है अगर कोई भी व्यक्ति अपील करता है तो उसको कम से कम 1 से 1.5 साल के लिए वेट करना ही पड़ता है उसकी, तभी अपील पूरी तरह रिजॉल्व हो पाती है। यानी यहाँ पे जो पेंडेंसी है, जो टोटल टाइम लग रहा है केस को निपटाने में, वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो RTI है उसका एक्चुअल मकसद ही ख़त्म हो जाता है और जो सूचना आयोग है उनकी एफिशिएंसी पे भी प्रभाव पड़ता है जो कि कम हो जाती है। यहाँ पे रिपोर्ट के कुछ मुख्य निष्कर्ष रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि सूचना आयोग में बहुत सारे पद ऐसे हैं जो अभी खाली हैं, यानी बहुत सारे वेकेंट सीट्स यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर वो देश के अलग अलग हिस्सों में देखें तो ये पाते हैं कि देश के कुछ हिस्सों में तो सूचना आयोग की ये स्थिति है कि वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे या फिर बेहद ही कम क्षमता पे काम कर रहे हैं। और अगर खाली पद की बात करें तो इनफैक्ट जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनका पद तक अभी खाली है। उसके अलावा यहाँ पर जो अपील की जाती है उसमें बहुत ज़्यादा विलम्ब होता है, शिकायतों की भरमार होती जा रही है और उसको रिजॉल्व नहीं किया जा रहा, अपीलों और शिकायतों को निपटाने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है।
हमने पहले पढ़ा था, जनरली अगर देखें तो 1.5 साल का समय तो कम से कम लगता ही है, तभी आपकी जो शिकायत है उसका पूरी तरीके से समाधान मिल पाता है। यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको ये भी ध्यान रखना है कि हाल फिलहाल में ही 2019 वर्ष में कुछ रूल्स नोटिफाई किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल द्वारा आरटीआई के लिए। उन रूल्स के तहत कुछ चेंजेस किए गए। सबसे पहले तो जो टेन्योर है यानी जो कार्यकाल है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का, उसको कम किया गया, उसको 5 साल से घटा के 3 साल कर दिया गया। उसके अलावा जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त हैं, उनकी सैलरी फिक्स कर दी गई 2.5 लाख पे, और जो उनके नीचे बाकी सूचना आयुक्त हैं उनकी 2.25 लाख पे फिक्स कर दी गई है सैलरी। और कंडीशन ऑफ सर्विस की बात करें तो यहाँ पे कोई अलग से प्रावधान नहीं रखा गया और ये गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पे अभी तक छोड़ दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ये है भारतीय दंड संहिता के ओवरहॉलिंग के बारे में, यानी कि उसको हमको पूरी तरीके से चेंज करना है, ओवरहॉल करना है। तो इसके तहत 2 कमिटी का गठन किया गया है गृह मंत्रालय द्वारा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और हम क्यों देख रहे हैं कि भाई इसको किसी भी तरीके से ओवरहॉल करना है या फिर इसमें कोई बदलाव लाने हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो आईपीसी की ये धारा है, इनफैक्ट जो आईपीसी की सभी धाराएं हैं वो बहुत पुरानी हैं, वो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, वो ब्रिटिश के समय की हैं। ये जो कोड था ये करीब 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसके तहत जो कानून, जो नियम, जो धाराएं बनी थी वो उस समय के हिसाब से तो सही थी, पर क्या आज के मॉडर्न युग के हिसाब से वो सारी धाराएं सही हैं? क्योंकि उस समय एक जो एटीट्यूड चलता था वो था मास्टर एंड सर्वेंट वाला, यानी अंग्रेज़ ऐसा मानते थे कि वो हमारे मास्टर हैं और जो भी भारतीय हैं वो उनके सर्वेंट या फिर नौकर हैं। तो आईपीसी को अगर ओवरहॉल नहीं किया गया तो वही चीज़ें काफ़ी हद तक कंटिन्यू रहेंगी, जिसको बदलना अभी के युग के लिए अति आवश्यक है। हालांकि पहले भी कोशिश की गई है, 2016 में भी इसमें संशोधन लाने की कोशिश की गई। गृह मंत्रालय ने उस समय ये प्रपोज़ किया था कि भाई जो भारतीय दंड संहिता है, जो इंडियन पीनल कोड है, उसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के तहत ज़्यादा सख्त कानून बनाए जाएं। और यहाँ पे बेसिकली 2 संशोधन प्रपोज़ किए गए थे। जो एक था वो था धारा 153A और दूसरा धारा 509A। इसके तहत 2 संशोधन प्रपोज़ किए गए थे। और अभी फिर से इसको ओवरहॉल करने के लिए या इसमें कुछ बदलाव लाने के लिए 2 कमिटी या फिर 2 समितियों का गठन किया गया है। जब से ये आईपीसी बनी है तब से अभी तक एक बार भी ये पूरी टोटली अमेंड नहीं की गई है। हालांकि कुछ इसमें अमेंडमेंट किए गए, कई कोई चीज़ें यहाँ पे जोड़ी गई, कुछ इसमें माइनस की गई, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो टोटली इसको कभी भी अमेंड नहीं किया गया। और ये जो 1860 में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया कोड था, इस कोड में अभी बदलाव की बहुत आवश्यकता है, संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि ये गुरु और नौकर की परंपरा पे आधारित था, इस भावना पे आधारित था, तो इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पे भारतीय दंड संहिता के बारे में देखें तो ये ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है भारत का, यानी आधिकारिक आपराधिक कोड है ये भारत का, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड है, यानी कि ज़्यादातर पहलुओं को ये कवर करता है। बेसिकली 1860 में इसको ड्राफ्ट किया गया था, और अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये 1862 में इम्प्लीमेंट होने के लिए तैयार हो गया था और इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया था। अब बात करें पहली बार इसका रिकमेंडेशन किसने दिया, तो जो पहली लॉ कमीशन थी, यानी कि जो पहला कानून आयोग था भारत में, जो कि लॉर्ड मैकॉले की चेयरमैनशिप में बना था, उसने 1834 में इस पर्टिकुलर कोड की स्थापना की रिकमेंडेशन दी थी, यानी कि इसकी सिफारिश की थी। ब्रिटिश राज में एक चीज़ होती थी कि जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ पे ये पर्टिकुलर संहिता लागू नहीं होती थी, लेकिन 1940 के बाद प्रिंसली स्टेट्स में भी ये पूरी अपने प्रमुख रूप से लागू होने लगी। तो अगर इसके 1860 या 62 से आप देखेंगे तो अभी तक ये लगातार चल रही है, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग ये क्रिमिनल कोड है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी है, एक मालीमत कमेटी थी या फिर इस समिति का गठन किया गया था 2003 में, वो भी आईपीसी में होने वाले सुधारों के ऊपर ही फोकस करती थी। तो अगर यहाँ पे एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि मालीमत कमेटी किस पे फोकस करती थी, तो आपको याद रखना है आईपीसी में रिफॉर्म लाने के ऊपर ही ये पर्टिकुलर कमेटी फोकस करती थी। और कब गठित की गई, 2003 में इसका गठन हुआ था। अब हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की ओर। ये INX का मीडिया केस, यानी एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जहाँ पे चिदंबरम को फिलहाल में अरेस्ट कर लिया गया था। तो देखिए दोस्तों, अगर इसको आपको समझना है तो एक बार हमको पीछे जाना पड़ेगा कुछ 13-14 साल। देखिए हुआ क्या था, ये वर्ष 2006 की बात है,
जब एक कंपनी की स्थापना की गई, उस कंपनी का नाम रखा गया INX मीडिया, जिसको बाद में रीनेम करके 9X मीडिया भी कर दिया गया था। तो 2006 में बेसिकली इस कंपनी की स्थापना हुई। यहाँ पे दो मुखर्जीज इन्वॉल्व थे, जो कि हस्बैंड वाइफ थे, पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी। अब आपको मालूम है नई नई कंपनी यहाँ पे बन के खड़ी हुई है, तो कंपनी को पैसा चाहिए होगा। पैसा ये लोग FDI के फॉर्म में लेना चाह रहे थे। तो बेसिकली अगर आप FDI की बात करें, तो भारत में दो तरीके हैं जिसके तहत FDI आ सकती है। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, जहाँ पे आपको सरकार की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप सीधे ही किसी कंपनी से FDI उठा के ला सकते हैं। लेकिन एक होता है अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट में कई इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, जैसे कि मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, डिफेंस। तो यहाँ पे आपको सरकार की परमिशन की ज़रूरत है अगर आप FDI लाते हैं तो। और ये परमिशन कौन देता है, तो वो एक संस्था यहाँ पे ग्रांट करती है, जिसका नाम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, यानी कि FIPB। तो अगर आपको कोई भी भारत में FDI लानी है, तो अगर वो अप्रूवल के रूट के थ्रू आएगी, तो इससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये अगर परमिशन देता है तो ही आप FDI ला सकते हैं। तो क्योंकि INX मीडिया एक मीडिया कंपनी थी, तो उसमें आने वाली जो FDI है वो अप्रूवल रूट के थ्रू ही आएगी। इसकी वजह से इसको इस पर्टिकुलर बोर्ड से परमिशन लेने की ज़रूरत थी। तो 2007 में इस मीडिया कंपनी ने परमिशन के लिए इस पर्टिकुलर बोर्ड को रिक्वेस्ट किया। तो जब इन्होंने FIPB से रिक्वेस्ट किया, तो बेसिकली FIPB ने इनके जो विचार थे, जो इनके आशा थी, उससे कुछ कम FDI अप्रूव की। FIPB ने कहा कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ रुपये 4.62 करोड़ ही ला सकते हो FDI से, पहली बात। और दूसरी, इसने यहाँ पे कहा कि डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। बेसिकली डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो देखिए INX मीडिया ये चाह रही थी कि अगर कहीं बाहरी, ये मान लेते हैं हम लोग कोई विदेश की कंपनी है, तो ये विदेश की कंपनी से मान लेते हैं 100 रुपये आते हैं किसी भारत की बी कंपनी में, तो वो बी कंपनी इसमें से 20 रुपये किसी और सी कंपनी में डाल दे, इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो INX मीडिया है वो ऐसा चाह रही थी कि विदेश से वो पैसा लाए, जो भी पैसा आए वो इस INX मीडिया में आए, और INX मीडिया उसका 26% INX न्यूज़ में डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट के तौर पर भेज दे। लेकिन इस डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट की परमिशन नहीं दी गई, और कहा गया आप बाहर से ले आएँ, विदेश से पैसा ले आएँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ 4.62 करोड़ रुपए ही आप वहाँ से ला सकते हैं। अब भाई यहाँ तक तो बातें सही थी। अब ये हुआ कि INX मीडिया ने दोनों ही बातों का उल्लंघन कर दिया। परमिशन नहीं थी, फिर भी वो बाहर से जुटा के लेके आई 305 करोड़ रुपए, जबकि परमिशन मिली थी सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए करीब की, लेकिन ये 305 करोड़ रुपए विदेश से जुटा के ले आई। और फिर डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट का भी यहाँ पे मना किया गया था, लेकिन इसने वही 26% डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कर दिया। और 305 करोड़ का 26% आप करेंगे तो उतने पैसे INX न्यूज़ में इसने डाल दिए। तो 2008 में ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब FIPB से पूछा, तो FIPB ने भी बोला कि भाई हमने तो परमिशन नहीं दी, तो ये कैसे लाए। तो इन्होंने जाके सवाल उठाई INX मीडिया के सामने। तो INX मीडिया को लगा भाई अब तो हम लोग फंस जाएंगे, तो कोई ना कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा इस सबसे बचने के लिए। तो इन्होंने मदद ली कार्ति चिदंबरम की, और कार्ति चिदंबरम की एक कंपनी थी चेस मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी को और कार्ति चिदंबरम को इन्होंने अपने कंसल्टेंट के तौर पे INX मीडिया में हायर कर लिया। सोच इनकी ये थी कि भाई उस समय जो हमारे देश के वित्त मंत्री थे वो थे पी चिदंबरम, और जो कार्ति चिदंबरम है ये उनके बेटे थे, और ये जो FIPB की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं ये बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है। तो INX मीडिया ने सोचा अगर हमने चिदंबरम के बेटे को इन्वॉल्व कर लिया, तो फाइनेंस मिनिस्टर FIPB से कह के पूरा मामला यहाँ पे संभाल लेंगे। और हुआ भी ऐसा ही, जैसे ही इन्होंने इस पर्टिकुलर कंपनी को हायर किया, जो पूरा केस चल रहा था ये पूरा केस क्लोज कर दिया गया। और इनफैक्ट इसी FIPB ने कहा कि अब आप हमको वापस एक बार अपना प्रपोजल भेजें, हम लोग वापस उस प्रपोजल पे रिकंसिडर करेंगे। यानी कि इस बार जो पहले के सारे टर्म्स यहाँ पे वायलेट किए गए, ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि FIPB उन सभी वायलेटेड टर्म्स को अब अप्रूव कर देगा, जिसके तहत कोई भी वायलेशन नहीं दिखाया जा सकेगा। तो बेसिकली ये आरोप लगाए गए कि उस समय जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने अनड्यू फेवर्स किए, यानी कि उसने ज़बरदस्ती के फेवर्स ग्रांट किए INX मीडिया को, क्योंकि यहाँ पे
कार्ति चिदंबरम को हायर किया गया, और यही नहीं कार्ति चिदंबरम को उनकी सर्विसेज के लिए 3.5 करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत चतुर मूव खेला गया, यहाँ पे तो 3.5 करोड़ रुपए हैं ये इस कंपनी में ना आके कार्ति चिदंबरम ने एक दूसरी कंपनी में लिए, जिसके लिए वजह से उनका नाम एक्सपोज ना हो पाए। तो जिस कंपनी में 3.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया उस कंपनी का नाम था एडवांस स्ट्रेटजिक कंसल्टिंग लिमिटेड। अब आती है बात मई 2017 की। मई 2017 में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने वापस इस केस को ओपन किया, वापस सब सारी चीज़ें देखना शुरू किया, तो पाया गया कि यहाँ पे बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं कार्ति चिदंबरम पे और उनके पिता पी चिदंबरम पे। तो इसी के तहत उनको लुकआउट नोटिस जारी हुआ और वो देश छोड़ के बाहर ना जा सके, इस वजह से उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। फिर फरवरी 2018 में कार्ति चिदंबरम को अरेस्ट कर लिया गया सीबीआई द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में। हालांकि एक महीने के अंदर अंदर वो हिरासत से वहाँ पे फिर से छूट गए। और ये मामला चलते चलते अब अक्टूबर आ गया था 2018 का, तो अक्टूबर 2018 में ये चीज़ सामने आई कि भाई जो कार्ति चिदंबरम है उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है देश और विदेश में, और करीब 54 करोड़ रुपये उन्होंने इस तरीके से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखे हैं। फिर उसके अलावा फिर बात आती है अगस्त के आसपास 2019, उसमें ये मामला सामने आया था कि जो इंद्रानी मुखर्जी है जिन्होंने बेसिकली एज अ को फाउंडर या INX मीडिया शुरू की थी, उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली कि हमने यहाँ पे रिश्वत दी थी कार्ति चिदंबरम को। तो बेसिकली ये पूरा मामला है अभी तक का INX मीडिया मामला। तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखें तो आप यही सब चीज़ें लिखी हुई पाएंगे। 2007 में पी चिदंबरम जो थे वो वित्त मंत्री थे, जिसकी वजह से INX मीडिया को अनड्यू फेवर्स दिए गए और करीब 305 करोड़ रुपए वो विदेशों से लेके आई थी FDI के थ्रू, जो कि परमिशन नहीं दी गई थी। उसके अलावा 26% का डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट भी किया, जो फिर से परमिशन के खिलाफ था। लेकिन ये सब देखते हुए जब इनके ऊपर केस चलना शुरू हुआ तो इन्होंने कार्ति चिदंबरम को अपने साथ शामिल कर लिया, जिसके तहत इनको अनड्यू फेवर्स मिले, क्योंकि तब फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदंबरम। और ये जो FIPB है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के ही अंतर्गत आती है, तो इन्होंने बोला FIPB ने कि आप वापस से हमको प्रपोजल भेजो, इस बार हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। उस टाइम तो ये मामला दब गया, लेकिन 2017 में फिर से इस मामले को रीओपन किया गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस मामले को देखने लगा। जब इसकी कड़ियाँ जोड़ी गईं तो पाया गया कि यहाँ पे पी चिदंबरम के ऊपर और कार्ति चिदंबरम दोनों के ऊपर आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग के। तो इसी के तहत ये जो है ये पूरा मामला इस तरीके से शेप लेता चला गया। अब यहाँ पे एक आर्टिकल 20 का थर्ड क्लॉज इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट यानी पार्ट 3 से आता है। क्या क्लॉज है? ये बोलता है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो कि खुद आरोपी है उसको आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते कि वो खुद के ही खिलाफ़ विटनेस बन जाए या खुद के ही खिलाफ़ गवाही दे दे। और यहाँ पे एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 का सेकेंड क्लॉज भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आत्म उत्पीड़न से डील करता है। यहाँ पे बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिससे पुलिस कोई भी तरीके के सवाल पूछ रही हो तो वो ओरली या फिर मौखिक रूप से जांच में कोऑपरेट करे और सभी सवालों के सही जवाब देने के लिए बाध्य है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये है, अगर कोई भी सवाल उसके ऊपर किसी तरीके का मामला या आरोप या फिर चार्जेस को प्रूव करता है वो चाहे तो उन सवालों का जवाब देने से बच सकता है। तो ऐसे केस में जो व्यक्ति है उसको चुप रहने का अधिकार है, यानी कि उसके पास राइट टू रिमेन साइलेंट भी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके प्री के हिसाब से, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब हम चलते हैं मेकेदातु रिजर्वायर या फिर मेकेदातु परियोजना पे। बेसिकली ये एक परियोजना है और ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, यानी कि एक विवाद का कारण बना हुआ है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। देखिए अगर मैं बात करूँ तो ये है दो राज्य और उनकी सीमा, और ये जो मैंने डॉट बनाया है ये वो पर्टिकुलर परियोजना है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि मेकेदातु परियोजना। अब ये क्या है? ये बेसिकली एक ग्रेविटी डैम है, यानी एक बांध है जिसका फोकस ये है कि वो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम सॉल्व कर दे बेंगलोर की और रामनगर डिस्ट्रिक्ट की। इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो करीब 67 मीट्रिक टन्स के आसपास या फिर 67 TMC के आसपास इसकी कैपेसिटी है। और ये ड्रिंकिंग वाटर तो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा ही, उसके अलावा इरिगेशन भी प्रोवाइड कर सकता है, उसके अलावा यहाँ से हाइड्रो पावर भी जनरेट की जा सकती है। अब ये किस नदी पे हम लोग बिल्ड कर रहे हैं? तो हम लोग ये कावेरी नदी पे बिल्ड कर रहे हैं। ये चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। और क्योंकि ये कावेरी नदी पे बिल्ड होने वाली एक परियोजना है, इस वजह से एक बोन ऑफ कंटेंशन या फिर विवाद का कारण बना हुआ है इन दोनों ही राज्यों के बीच में। उसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे समस्याएं हैं, जैसे कि
कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो, उसका करीब 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये सबमर्ज कर देगा अगर ये डैम बन गया तो। उसके अलावा जो कावेरी का नेचुरल फ्लो है ये उसको भी ख़राब कर देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस मेकेदातु रिजर्वायर या फिर परियोजना के संदर्भ में आपको याद रखने हैं। अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे जो बैंगलोर और रामनगर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है तो उसी के लिए कर्नाटक ने एक सेंट्रल वाटर कमीशन से रिपोर्ट मांगी थी, जिसके तहत सेंट्रल वाटर कमीशन ने कर्नाटक को अलाउ कर दिया था कि भाई ठीक है आप ये प्रोजेक्ट बना लें, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद आप इस पर काम कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने NOC ले भी लिया तो यहाँ पर एक और स्टेप बचता है, एक एडवाइसरी कमेटी का गठन होगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर होगी, वो देखेगी कि ये प्रोजेक्ट सही है या नहीं है। अगर उसने भी देखा कि ये प्रोजेक्ट सही है तो इस प्रोजेक्ट पे आप आगे काम कर सकते हैं, और इसका जो कॉन्करेंस है वो मैंडेटरी है, वो ज़रूरी है और वो कंपलसरी है। तमिलनाडु ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की मदद मांगी है, उसका कहना ये है कि भाई जो कावेरी नदी जल प्राधिकरण है उसका अल्टीमेट जो निर्णय था, यानी कि जो अंतिम निर्णय था, ये पर्टिकुलर परियोजना उस निर्णय का उल्लंघन करती है, और ये जो सामूहिक सीमा है तमिलनाडु और कर्नाटक की, उसमें जो जल प्रवाह है उसको प्रभावित करेगा। और तमिलनाडु के हिसाब से तमिलनाडु को उसका जो शेयर ऑफ वाटर है, यानी जितना पानी उसको प्रॉमिस किया गया है, उतना नहीं मिल पाएगा। लेकिन कर्नाटक वहीं पे कह रहा है ऐसा नहीं है, ये परियोजना अगर हो भी गई तो जो निर्धारित मात्रा में पानी आपको मिलना था वो पानी आपको मिलेगा, और ये जो है मेनली ड्रिंकिंग वाटर की नीड्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सिंचाई के उद्देश्य के लिए इस पर्टिकुलर पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है हमको कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण या फिर कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में जानना। ये जो बेसिकली अथॉरिटी थी ये 2 जून 1990 को स्थापित की गई थी, और इसका बेसिक पर्पस क्या है, कावेरी नदी पे जो भी मुद्दे होंगे, अब मुद्दे क्यों होंगे, क्योंकि ये इंटर स्टेट रिवर है, ये बेसिकली 3 से 4 राज्यों से होके गुजरती है, जिसकी वजह से हर राज्य में इसका निर्धारित अमाउंट ऑफ वाटर जाता है। तो अगर कहीं पे कोई बांध कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो इसके नेचुरल फ्लो को रोका जाता है, और नीचे वाले जो राज्य हैं उनके पास भरपूर मात्रा में पानी नहीं जा पाता। तो इसी तरीके के मुद्दों को सुलझाने के लिए ये कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। ये कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी के बीच में ऐसे आने वाले विवादों को सॉल्व करने के लिए गठित एक अथॉरिटी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस अथॉरिटी की, तो ये एक स्कीम के तहत बनाई गई अथॉरिटी है। जो स्कीम थी 2018 की स्कीम थी, और माफ़ कीजिएगा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको डेट बताने में गलती कर दी है, डेट थी 1 जून 2018, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ये 2 जून 1990 को ध्यान नहीं रखना, 1 जून 2018 को इसका गठन हुआ है। यहाँ पे रूल्स आए थे 2018 वर्ष में, कुछ स्कीम्स आई थी, उस स्कीम के तहत इसका गठन हुआ है। सेक्शन 6 का जो एक क्लॉज है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, उसके तहत इसको पावर्स दी गई हैं, इसको फंक्शंस दिए गए हैं। तो इन कुछ फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ये है तेलुगु गंगा परियोजना के बारे में, या फिर तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट के बारे में। ये बेसिकली एक पेय जलपूर्ति परियोजना है ड्रिंकिंग वाटर के लिए है, और कौन से शहर में ये ड्रिंकिंग वाटर पहुँचाएगा, ये चेन्नई शहर को ड्रिंकिंग वाटर पहुँचाने के लिए एक परियोजना स्थापित की गई है। और बेसिकली ये पानी कहाँ से आएगा, तो जो भी कृष्णा रिवर की बेसिन स्टेट्स हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, जैसे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र, तो यहाँ पे आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने बोला है कि हम तीनों अपने अपने हिस्से से 5 TMC वाटर देंगे, तो टोटल कितना हो गया, 15 TMC वाटर इस वाली परियोजना के लिए दिया गया है, जहाँ पे चेन्नई शहर में ड्रिंकिंग वाटर पहुँचाने की हमारी कोशिश रहेगी। तो बेसिकली ये जो है एक इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी नदी का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कृष्णा का पानी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में एक रिजर्वायर है जिसका नाम है श्री शैलम रिजर्वायर, तो जो कृष्णा नदी पर सरोवर है श्री शैलम, यहाँ से बहुत सारे इंटरलिंक्ड कैनाल की मदद से पानी चेन्नई तक पहुँचाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कहाँ से पानी निकाला जाएगा, श्री शैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है उस क्षेत्र से रिजर्वायर से पानी निकाला जाएगा, और कैनाल्स के जरिए ये पानी चेन्नई तक पहुंचाया जाएगा। और चेन्नई में एक रिजर्वायर है जिसका नाम है पूंडी रिजर्वायर, वहां तक यहां से निकाल के पानी पहुंचाया जाएगा। और अगर कुछ और बात करें जॉइंट वाटर सप्लाई स्कीम की, तो दोस्तों ये इंप्लीमेंट की गई थी वर्ष 1980 में। बेसिकली इसमें दो राज्य हैं जिन्होंने
आपस में कोलैबोरेट किया है वो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कृष्णा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है नई राष्ट्रीय जल नीति के बारे में, यानी न्यू नेशनल वाटर पॉलिसी के बारे में। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने एक 10 मेंबर कमेटी का गठन किया है, जिसको चेयर करेंगे मिहिर शाह, और इसलिए इस कमेटी का नाम रखा गया है मिहिर शाह कमेटी। और इनको कहा गया है कि भाई आपको 6 महीने के अंदर अंदर एक रिपोर्ट देनी है, जिसमें लिखा होगा कि भारत की नई राष्ट्रीय जल नीति क्या होगी। इससे होगा क्या, जो अभी नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 में ड्राफ्ट हुई थी उसको रिप्लेस करने के लिए इस पर्टिकुलर पॉलिसी को लाया जा रहा है। तो आपको याद क्या रखना है, किसने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने। क्या बनाई है, मिहिर शाह की एक समिति बनाई है जिसमें 10 एक्सपर्ट मेंबर होंगे। क्या करेंगे, 6 महीने के अंदर अंदर एक रिपोर्ट देंगे जिसमें लिखा होगा कि भारत की नई जल नीति क्या है। और एक बार जल नीति आ गई तो बेसिकली 2012 से जो चल रही है हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी, उसको ये रिप्लेस कर लेगा। इसके तहत सरकार सोच रही है जो पानी पे गवर्नेंस हो रही है, यानी वाटर की जो गवर्नेंस है उसको बेहतर करा जा सके, उसके अलावा नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाए जा सकें, जिन दोनों की वजह से जो पानी का यूटिलाइजेशन है, जिस तरीके से हम पानी को यूज़ करते हैं, तो उस यूजेज को ऑप्टिमम या फिर एकदम सही किया जा सके, जिससे कि पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो और उसका सही उपयोग हो। इस सब के लिए सरकार एक और चीज़ सोच रही है, वो सोच रही है एक नेशनल ब्यूरो बनाया जाए जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी पे ध्यान रखे। तो ये भी सरकार के मन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, वाटर यानी कि जो जल है, ये बेसिकली 7th शेड्यूल या फिर 7वीं अनुसूची के तहत स्टेट सब्जेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप ध्यान रखें, लेकिन सेंटर के पास यानी केंद्र के पास भी पावर है वाटर को मैनेज करने की। अगर हम बात करें इंटर स्टेट रिवर्स की, तो उसमें केंद्र ज़्यादा ऊपर आ जाता है, वरना अगर ओवरऑल देखें तो वाटर एक स्टेट लिस्ट के अंदर आने वाला सब्जेक्ट है, जिसको हम 7th शेड्यूल के अंदर कैटेगराइज करते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 2012 से चल रही जो हमारी जल नीति है उसके बारे में। बेसिकली 7 जून 2012 को ये पर्टिकुलर राष्ट्रीय जल नीति को जारी करने की एक पहली कोशिश की गई थी, जब इसका संशोधित प्रारूप जारी किया गया था। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, सबसे पहले तो ये इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के तौर पे चीज़ों को ध्यान देता है, यानी इंटीग्रेटेड तौर पे, यानी सब कुछ एक साथ लेके आप कैसे पानी को एक रिसोर्स की तरह मैनेज कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो रिवर बेसिन है उसको स्मॉलेस्ट यूनिट माना गया है प्लानिंग का, यानी आप जो प्लानिंग करेंगे, जो भी आप नीतियाँ बनाएं, वो रिवर बेसिन को ध्यान में रख के बनाएं। अगर रिवर बेसिन को आप ध्यान में रख के एक सही नीति बनाएंगे, तो सभी रिवर बेसिन्स को आप कंजर्व कर पाएंगे और ओवरऑल आप पूरी रिवर को या फिर पानी के वेस्टेज को मिनिमाइज कर पाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे इकोलॉजिकल नीड्स पे भी ध्यान दिया गया है, और यहाँ पे एक इकोलॉजिकल फ्लो के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी इकोलॉजिकल फ्लो का मतलब है कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर किसी भी रिवर में होना चाहिए कि वो अपनी इकोसिस्टम की नीड को पूरा कर ले। और इसका मैंडेट कब फुलफिल किया गया, इसका मैंडेट फुलफिल किया गया वर्ष 2018 में, जब सरकार ने गंगा रिवर का इकोलॉजिकल फ्लो मेंटेन करने के बारे में बात कही थी। साथ में यहाँ पे कहा गया कुछ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, पीने योग्य कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ पानी होना चाहिए, जिससे कि हाइजीन और आपकी स्वास्थ्य से संबंधित एसेंशियल सेवाएं कैरी आउट की जा सकें, और ये जो पानी है ये सभी हाउस होल्ड्स की रीच में आसानी से होना चाहिए। उसी के साथ पानी को यानी वाटर को यहाँ पे एक इकोनॉमिक गुड का दर्जा दिया गया है। अगर कोई भी चीज़ इकोनॉमिक गुड हो गई, यानी उसका कोई प्राइस तय कर दिया गया, तो हर व्यक्ति उसको मूल्यवान समझता है और उसको कम से कम वेस्ट करता है, उसको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो, और आपके पास आपको बताऊँ मैं सिर्फ ये 10 रुपये ही हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से यूटिलाइज़ करेंगे, जो आपकी सबसे ज़रूरी नीड्स होंगी वहीं पर आप इन पैसों को खर्च करना चाहेंगे, और वहाँ पर भी सबसे कम पैसे में सबसे सही काम हो सके आप ये चाहेंगे। तो अगर पानी को भी इस तरीके से इकोनॉमिक गुड घोषित कर दिया गया, तो यानी पानी की एक कोई वैल्यू हो गई। अब किसी भी वैल्यूएबल चीज़ को आप खर्च करने से पहले बहुत सावधान रहेंगे, तो यानी कि यहाँ पे पानी का जो वेस्टेज हो रहा है उसको मिनिमाइज करने पर फोकस किया गया है। यहाँ पे अलग अलग अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी की भी बात करी गई है, जल संसाधन संरचनाओं की बात की गई है जो कि क्लाइमेट चेंज से निपट सके, यानी जलवायु परिवर्तन से निपट सके। यहाँ पे एक वाटर प्रिंट और वाटर ऑडिट का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है।
ये उसी कॉन्सेप्ट की तरह है जिस तरीके से हमारे सामने कार्बन फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट होता है या फिर कार्बन ऑडिट का कॉन्सेप्ट होता है। यानी आप जितनी ज़्यादा कार्बन एमिट करेंगे उतना ही ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होगा, उतनी ही ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल कॉज होगा। तो जो जितना ज़्यादा कार्बन एमिट करेगा उसका वही कार्बन फुटप्रिंट माना जाएगा। उसी तरीके से जो जितना ज़्यादा पानी का वेस्टेज करेगा या जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेगा उतना ही उसका वाटर प्रिंट ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से इसको एनवायरनमेंट से जोड़ने की कोशिश की गई जिससे कि वापस यहाँ पे पानी के वेस्टेज को कम किया जा सके। यहाँ पे साथ में बेंचमार्क्स के डेवलपमेंट पे भी फोकस किया गया है जिसके तहत ये तय किया जा सके कि कितना पानी इस्तेमाल करना सही है और कितना पानी इस्तेमाल करना वेस्टेज में काउंट किया जाएगा। उसके अलावा ये सब चीज़ें देखने के लिए एक वाटर की रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने पे भी बात की गई थी इस वाली पॉलिसी में। जो वाटर की यूज़र्स एसोसिएशन है यानी कि जो समुदाय है जो पानी को इस्तेमाल करता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो इस वजह से उसको लीगल राइट्स प्रोवाइड किए गए कि आप पानी के साथ चार्जेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कोई कितना पानी इस्तेमाल करे तो उस पर आप उससे चार्जेस कलेक्ट कर सकते हैं या फिर फाइन कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो भी आपने रुपया कलेक्ट किया इसमें से आप थोड़ा रुपया अपने लिए भी रख सकते हैं जिससे कि आप आगे और बेहतर काम कर पाएँ। उसके अलावा यहाँ पर बात की गई कि अर्बन एरियाज़ यानी शहरी इलाके और ग्रामीण एरिया में बहुत बड़ा गैप है। यानी शहरी इलाकों में तो आसानी से पानी अवेलेबल हो जाता है पीने योग्य, लेकिन बहुत सारे ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जो रिमोट हैं जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है जिस वजह से वहाँ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता। तो इस पॉलिसी में कहा गया है कि इस तरीके का जो गैप है इसको ख़त्म करना है। तो ये जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में असमानता है इसको हटाने के ऊपर भी बात करी गई है। फिर यहाँ पर कंसल्टेशन की बात की गई है। अगर कोई ऐसा पानी है या फिर कोई ऐसी रिवर है जो कि शेयर हो रही है एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में या फिर इंटरनेशनल रिवर्स हैं जैसे कि भारत से निकल के मान लीजिए बांग्लादेश में जा रही है, तो ऐसे रिवर्स पे आपको कंसल्टेशन करना ज़रूरी है बायलेटरल बेसिस पे। जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको बुलाइए, उनको बिठाइए, उनको बिठा के उनसे चर्चा कीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे पानी का हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और किस तरीके से हम ऐसी नीतियाँ डेवलप कर सकते हैं कि किसी भी पार्टी को पानी का नुकसान ना हो। फिर यहाँ पे बात की गई है एक नेशनल हाइड्रोग्राफिक सेंटर की। इस तरीके के सेंटर भी एस्टैब्लिश होना ज़रूरी है जो डेटा कलेक्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उसके अलावा रिसर्च और टेक्नोलॉजी पे भी यहाँ पे बात की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर आपको पानी से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान निकालना है तो उसके लिए रिसर्च को प्रमोट करना ज़रूरी है, उसके लिए टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना ज़रूरी है। साथ साथ यहाँ पे एक नेशनल वाटर बोर्ड की भी बात की गई है जो कि बेसिकली नेशनल वाटर पॉलिसी का निर्माण करेगा और उसको लगातार टाइम टू टाइम मॉनिटर करेगा कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या वो इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो क्या वजह है जिस वजह से वो नहीं हो रही। तो ये जो है ये पॉलिसी थी आपकी 2012 वाली जो अभी तक चल रही है, जो अभी तक लागू है। अगर मिहिर शाह कमेटी ने 6 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी तो ये वाली जो पॉलिसी है इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा नई वाली वाटर पॉलिसी के साथ, तो वो वाली इंपॉर्टेंट हो जाएगी, हम लोग उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। अब हम चलते हैं केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पे यानी कि केन बेतवा लिंक परियोजना पे। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए एक नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हुआ करता था जिसको पहले नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान कहा जाता था। उसके तहत हम लोग ये फोकस करते थे अगर कोई इलाका है जो वाटर सरप्लस है यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा उपलब्ध है तो उस एरिया को कनेक्ट कर दिया जाए एक ऐसे एरिया से जो कि वाटर डेफिसिट है। और इस वजह से क्या होगा, अगर यहाँ से लेकर आपने यहाँ के बीच में एक लिंक स्थापित कर दिया तो इस एरिया में वाटर सरप्लस है यानी कि यहाँ वाले एरिया जो है वो फ्लड प्रोन रहते हैं, वहाँ पर आए दिन बाढ़ आती रहती है, और ये जो एरिया है ये ड्रॉट प्रोन है, यहाँ पे सूखा पड़ता है। तो जो बाढ़ आती है उस वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ के खेत को, वहाँ के लोगों को, जन को, जायदाद को नुकसान पहुँचता है। तो क्यों ना इस वाटर सरप्लस रीजन से यहाँ पे पानी ट्रांसफ़र कर दिया जाए सूखे रीजन में, जिस वजह से यहाँ का जो पानी है वो यहाँ पर मैनेज हो पाएगा। तो अल्टीमेटली सूखे एरिया में भी पानी आ पाएगा और यहाँ पर भी बाढ़ नहीं आएगी, जिस वजह से दोनों ही एरिया प्रॉस्पर करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के तहत ये तय किया गया था हम लोग टोटल 30 लिंक स्थापित करेंगे जो कि 37 रिवर्स को जोड़ेंगे। और यहाँ पे रिवर्स को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो यहाँ पे कैनाल्स बनाए जाएंगे और कैनाल्स के थ्रू यहाँ पे रिवर्स जोड़ी जाएंगी। अभी जो 30 यहाँ पे लिंक बताए गए थे, इन 30 लिंक में दो कॉम्पोनेंट है, एक तो है हिमालयन रिवर्स का कॉम्पोनेंट, तो हिमालयन रिवर है जो उसमें टोटल 14 लिंक जोड़े जाएंगे और जो बचे हुए 16 लिंक है वो पेनिनसुलर रिवर्स में जोड़े जाएंगे।
अब अगर बात करें तो इस तरीके की परियोजना जो है उनके क्या फ़ायदे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो देखिए बेसिकली ऐसा पानी इरिगेशन के लिए काम में आ सकता है, सिंचाई के लिए पीने योग्य हो सकता है, इससे हाइड्रो पावर आप जनरेट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप नेविगेशन भी कर सकते हैं। इरिगेशन अगर होगा तो फार्म इनकम बढ़ेगी, किसान की इनकम बढ़ेगी, तो आप इस तरीके से और आगे लिंक कर सकते हैं कि वो और बेहतर तरीके से चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएगा। और अगर हाइड्रो पावर का जनरेशन होगा तो हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, प्लांट में लोगों की ज़रूरत होगी तो लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी यानी रोज़गार मिलेगा। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें आप आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं। अब इसी वाले प्रोजेक्ट का एक कॉम्पोनेंट है केन और बेतवा रिवर को जोड़ना। तो इस संदर्भ में दो राज्य सरकार आपस में लगातार कोलैबोरेट कर रही हैं, जो कि है उत्तर प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार। यहाँ पे होगा क्या है, यहाँ पे केन जो है वहाँ से सरप्लस पानी ट्रांसफ़र करा जाएगा बेतवा में, जिससे कि बेतवा का जो रीजन है वो वाटर डेफिसिट है, वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो वहाँ पे जो कमी है उसकी आपूर्ति की जाएगी केन से पानी लाकर। तो इसके लिए दो पावर हाउस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, इसके लिए दो टनल शायद कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, एक केनाल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो करीब 221 किलोमीटर का होने वाला है। इसके लिए दौधान डैम भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। जो केन रिवर है जो हमने ये बताई है ये है मध्य प्रदेश में, इससे करीब इतना पानी ट्रांसफ़र किया जाएगा कि बेतवा रीजन जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे इरिगेशन नीड्स को मीटअप किया जा सके करीब 3.5 लाख हेक्टेयर के एरिया में, क्योंकि ये जो है ये वाला बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है और उस बुंदेलखंड रीजन में जनरली ड्रॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, वो ड्रॉट प्रोन एरिया है, तो वहाँ पे अगर पानी आ जाएगा तो ये जो संभावना है इसको हम कम कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो करीब 77 मीटर टॉल और 2 किलोमीटर वाइड धौधान डैम बनाने की बात की गई है, करीब 230 किलोमीटर लंबा कैनाल बनाने की बात की गई है। एक बार ये जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये छतरपुर टीकमगढ़ और पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है और महोबा बांदा और झांसी डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है, इन सभी में इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने में सक्षम रहेगा। ये जो सारी डिस्ट्रिक्ट हमने अभी बात की है ये बुंदेलखंड एरिया में पड़ती है जो कि ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है, यानी यहाँ पे सूखा पड़ता है, तो जब आप यहाँ पे कहीं से पानी ले आएंगे तो ये सूखे की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। कैनाल की मदद ली जाएगी करीब 230 किलोमीटर लंबे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा ये फिगर 230 किलोमीटर है। इसमें लेकिन कुछ समस्याएँ आ रही हैं, सबसे पहले तो पन्ना टाइगर रिजर्व का काफ़ी सारा हिस्सा जो है इस योजना के तहत वो सबमर्ज हो रहा था यानी डूब रहा था। अगर हम बात करें तो करीब 400 हेक्टेयर का हिस्सा जो था वो पन्ना टाइगर रिजर्व का इसमें डूब रहा था, और इस हिस्से के जलमग्न होने की वजह से वहाँ के जो भी पशु पक्षी हैं उनके लिए समस्या हो रही थी, उनका हैबिटेट का लॉस हो रहा था। उसके अलावा बहुत सारी वहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी हैं जिनका भी हैबिटेट खो रहा था। अगर पन्ना की बात करें तो पन्ना जो टाइगर रिजर्व है ये MP में पड़ने वाला एक टाइगर रिजर्व है, इसको 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व का भी टैग दे दिया गया था। एक यहाँ पे समस्या ये आ रही है कि जहाँ जहाँ से ये पूरा कैनाल हो जाएगा वहाँ के एरिया में लोगों को रिलोकेट करना पड़ेगा, तो आप लोगों को रिलोकेट करेंगे तो दूसरी जगह कहाँ है, साथ में इनको रिलोकेट करने के बाद इनको आप जॉब कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, इनका जो पूरा लाइवलीहुड है ये इस एरिया में डिपेंड करता है। अगर आपने उनको इस एरिया से हटा दिया तो आप उनको क्या सस्टेनेबल लाइवलीहुड दे पाएंगे, तो ये सारी समस्याएँ हैं, इसके चलते एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलना मुश्किल हो रहा है, इकोलॉजिकल डैमेजेस के चांसेस ज़्यादा हैं, और दोनों स्टेट में कहीं ना कहीं पैटर्न ऑफ क्रॉप्स को लेके अभी भी वाद विवाद चल रहे हैं, जिसके तहत ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म में फंस जाता है और ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में मैं इतना ही डिस्कशन रखूँगा, अपने आने वाले लेक्चर में हम पॉलिटी को समाप्त करेंगे और उसके बाद नए सेक्शन से शुरुआत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेसन से आपको हेल्प हो रही होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो रहे होंगे। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।